हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो मैंने कुछ अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एज वेल एज़ अगर आप ओल्ड बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स विद सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उसकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ओल्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स विद सॉल्यूशन। तो सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस सारे 5 ईयर्स के पेपर्स मैं वहाँ पर अपलोड करती रहूँगी, तो आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर लीजिए। एज़ वेल एज़ आपको पेपर पैटर्न यानी करंट ईयर की जो पेपर पैटर्न है, बोर्ड एग्ज़ाम पेपर पैटर्न, वो सभी हर एक सब्जेक्ट के लिए अपलोडेड है, तो आप वहाँ पर भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करती हूँ। आभा एंड बीना आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अब पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बनता है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट आपको दे दी गई है कंप्लीट। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए। एडजस्टमेंट्स के बाद रीड करते हैं पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। सो फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, जो मैच हो जाएगी तो आपका पूरा सम करेक्ट होगा। और बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट मैच होती है, ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं वैसे एडजस्टमेंट टिक करेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक कर देते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करके रखना है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले एडजस्टमेंट टिक कर दीजिए ताकि मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन का जो पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता रहे, टेक्स्ट बुक का काम आपका कम हो जाए। फर्स्ट एडजस्टमेंट से पहले आप लाइन रीड कीजिए। दे एडमिटेड रुशिल एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/2017। अब यहाँ पर ये जो नई बैलेंस शीट लास्ट एज 31 मार्च को यहाँ पर दिखाई गई है, उसी ईयर उन्होंने एक नया पार्टनर यहाँ पर एडमिट किया है, रुशिल और न्यू पार्टनर, राइट। अब रुशिल को यहाँ पर न्यू एडमिट किया है यानी इन्वॉल्व किया है, तब कौन कौन सी कंडीशंस है वो कंडीशंस आपको दी गई है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, रुशिल विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 24,000 एज गुडविल इन कैश। रुशिल जो नया पार्टनर आया है, आते ही वो अपना कुछ कैपिटल लेकर आएगा, क्योंकि तभी उसे पार्टनर बनाया जाएगा बिजनेस में जब वो कुछ शेयर्स अपने लेकर आएगा। तो यहाँ पर वो 1 लाख रुपीज़ एज कैपिटल लेकर आता है और 24,000 एज गुडविल, ठीक है। 24,000 गुडविल के लेकर आता है, तो मैं आपको यहाँ पर बाद में एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में इसकी कैलकुलेशंस। अभी तो आपको यहाँ पर किसी भी अकाउंट को टिक नहीं करना है। गुडविल क्यों लाता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब मैं आपको इसकी कैलकुलेशंस दिखाऊंगी, तो हम पहले सिर्फ एडजस्टमेंट्स टिक कर लेते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो यहाँ पर वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है, तो आप असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर दीजिए, सेकेंड एडजस्टमेंट, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जैसा चैप्टर 4 में बनाते थे, तो वहाँ पर ये एंट्री दिखानी होगी। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज अप टू 32,000। तो मशीनरी जो 40,000 की है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो अगेन इस पे एडजस्टमेंट होगा, टिक। यहाँ पर थर्ड एडजस्टमेंट टिक कर दीजिए। नेक्स्ट चेक करते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट इज़ टू बी कैप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स चेक कीजिए, आपको वहाँ पर बेड डेट रिजर्व दिखाया गया रखना है, तो आप टिक कर दीजिए डेटर्स को, फोर्थ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट चेक करते हैं फिफ्थ, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ टू बी मेड एट 1,100 रुपीज़। तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का यहाँ पर कोई भी अकाउंट नहीं दिया गया। आपको ये नई एंट्री करनी है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इसे हम कहीं पर भी टिक नहीं कर रहे हैं, बट जब सॉल्व करेंगे तब इसे इंक्लूड ज़रूर करेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स इज़ टू बी कैप्ट एट 2:1:2। सो फ्रेंड्स, अब 2 पॉइंट्स आपको टिक करने हैं, एक ओल्ड रेशियो पार्टनर का, एक न्यू रेशियो जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसका कैपिटल और उसकी गुडविल, ये कुछ नए एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरफ आप देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आपको कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर रखने हैं। सबसे पहले बनाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्चुअली इन सारे अकाउंट से पहले जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, बट जर्नल एंट्रीज हम किससे पास करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अगर आपने 4th चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ होते हैं तो हम डेबिट एंड क्रेडिट राइट एज अ लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं आपको जर्नल एंट्रीज एट दी एंड दिखाने वाली हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, रुशिल, आभा एंड बीना। जो तीनों पार्टनर्स हैं रुशिल, आभा और बीना, आपको यहाँ पर उनके पर्टिकुलर कॉलम्स बनाने हैं। क्रेडिट साइड में सेम फॉर्मेट फॉलो करना है और लास्टली हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सो फ्रेंड्स बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, ये न्यू बैलेंस शीट जो आपको बनानी है, कैपिटल, लायबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट्स। सो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको जो वर्किंग नोट्स है वो करके दिखाऊंगी कि स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट आपको वर्किंग नोट क्या दिखाना है। तो आपको वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा। अब फाइनल अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन तीनों में बैलेंस शीट मैच करनी होती है एट दी एंड, और अगर मैच हो जाती है तो कंप्लीट मार्क्स आपको मिलते हैं। बट अगर आपने वर्किंग नोट्स पीछे दिखाई है या नहीं दिखाई वो कोई भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है, उसके मार्क्स इंक्लूडेड नहीं रहते हैं वर्किंग नोट्स के। तो आप करके आप लिखकर वर्किंग नोट्स बैलेंस शीट के बाद ही दिखाएं, राइट। किसी भी अकाउंट के बीच में आप वर्किंग नोट्स मत दिखाइएगा, लास्ट में दिखाइए क्योंकि उसके कोई मार्क्स इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले वर्किंग नोट दिखा दूं क्योंकि वो नेसेसरी वर्किंग नोट्स है। आपको कुछ वैल्यूज़ पहले से फाइंड करनी है तभी आप क्वेश्चन फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स आपको बैलेंस शीट के बाद वर्किंग नोट जो है उसके लिए कुछ पेज यहाँ पर यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वर्किंग नोट दिखाना चाहती हूँ कि आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दिया गया है पार्टनर्स का, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, और न्यू रेशियो दिया गया है। सो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओल्ड रेशियो जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 2:1, राइट। दो जो आभा एंड बीना दो पार्टनर्स हैं। न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 2:1, 2:2। अब ये जो दोनों रेशियोज़ हैं, राइट, आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सम सॉल्व करते हैं तब एक नए पार्टनर को ऐड करते ही ये जो दो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तब इस नए पार्टनर को प्रॉफिट के शेयर्स दे पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो दो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले वर्किंग नोट में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो आपको हमेशा फाइंड करना है, इसकी फॉर्मूला आपको याद होगी, सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, SON, सन, राइट। सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपली आबा एंड बीना दोनों पार्टनर्स के लिए आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। इट मीन्स उनका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए आबा एंड बीना के लिए आपको ये ओल्ड रेशियो एंड ये न्यू रेशियो दिया है। तो आप पहले इसे नोट डाउन कर दीजिए। अब देखिए ओल्ड रेशियो पहले लिखना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले ओल्ड रेशियो क्या है फॉर आबा, 2:1 है तो आभा का हुआ यहाँ पर 2 ओल्ड रेशियो, और डिवाइड करना है 2+1, 3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब इसमें से माइनस क्या करना है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो फॉर आभा यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 और इन तीनों को ऐड कर दीजिए। 2+1+2 गिव्स अस 5। अब यहाँ पर कैलकुलेशंस कीजिए। सो फ्रेंड्स कैलकुलेशंस करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम चाहिए, 3 और 5 दोनों अलग अलग है। हम 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 नहीं बन सकता है, 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं बन सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 15। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका, अब क्या कीजिए, इस तरफ राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5 2 10, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दीजिए। अब यहाँ पर आइए, 3 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, राइट। अब माइनस कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो आंसर आएगा 4/15। इसी तरह से बीना के लिए फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए बीना के लिए उसका ओल्ड रेशियो है 1, राइट। आप यहाँ पर देख लीजिए, ओल्ड रेशियो है 1 और डिवाइड कीजिए इन दोनों का एडिशन, दैट इज़ 3। अब माइनस कीजिए इसका न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो है बीना का 1, तो 1 लिखिए और डिवाइड कीजिए इन तीनों का एडिशन जो है 5। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 3 × 5 15, जैसा हमने ऊपर किया यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 1 5 माइनस 3 1 3, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर माइनस करने पर 2/15। अब यहाँ पर चेकआउट कीजिए, इसके लिए आया है 4 और यहाँ पर आया है 2, इट मीन्स 4/2 इनका यहाँ पर रेशियो है। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें, यानी दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 2 से डिवाइड होकर 2 बन जाएगा, 2 2 2 1 2, यानी अगर हम डिवाइड कर लें 2 से दोनों तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई करने पर हमारा सेक्रीफाइस रेशियो जो है पार्टनर्स का वो हमें मिलता है 2/1, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, 2/1। अब ये सेक्रीफाइस रेशियो कहाँ पर यूज़ करना है, तो अभी समझ लीजिए इसे, इस कंसेप्ट को मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो सेक्रीफाइस रेशियो है पार्टनर का, अब जो नया पार्टनर आया, जैसे आबा, बीना और नया पार्टनर आया है रुशिल, तो ये रुशिल क्या करेगा, जैसे ही अब इन दोनों पार्टनर्स ने इस रुशिल को ऐड किया तो इसे भी कुछ प्रॉफिट का पार्ट दिया है, तो ये इन दोनों को यहाँ पर कंपनसेट करेगा। कंपनसेट यानी इन दोनों को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट देगा, क्योंकि उन्होंने इसे एज अ पार्टनर यहाँ पर रखा है और अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करके उसे कुछ शेयर दिए हैं। तो इन्हें कंपनसेट करने के लिए वो अपनी जो गुडविल की अमाउंट है वो इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ये रुशिल 24,000 की गुडविल लेकर आया है बिज़नेस में, ये गुडविल क्या करेगा, ये जो इनका सेक्रीफाइस रेशियो है इसमें दोनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगी। अब ये 24,000 का सेकेंड पार्ट यानी × 2 / 3 आभा को मिलेगा और इतना पार्ट बीना को मिलेगा। तो ये जो 24,000 बिज़नेस में आएंगे ये दोनों पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो इसलिए हमने सेक्रीफाइस रेशियो सबसे पहले फाइंड किया है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं, सारी एंट्रीज़ करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, जैसे फाइनल अकाउंट्स में करते थे। तो एकदम शांति से पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कहीं पे भी डाउट्स या क्वेरीज लगे तो कमेंट करके पूछेगा, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी कंसेप्ट में 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, राइट। तो पूरा अच्छे से हमें सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको ओपन करके रखना है, जो बैलेंस शीट आपको दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम सारे जो अकाउंट्स हैं पहले असेट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और जिन पे एडजस्टमेंट है उनके लिए लाइन लीव करेंगे, जैसे फाइनल अकाउंट्स में करते थे, और लास्ट में एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट्स देंगे। तो असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है गुडविल। अब देखिए ये जो गुडविल है ये पहले वाले ईयर की है, यानी प्रीवियस ईयर की है। तो ऐसी जो गुडविल है तो उसे हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में गुडविल को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर इस तरफ डेबिट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर डेट आपको लिखनी है 3 मार्च 2017, राइट। तो 31 मार्च को यहाँ पर आपको लिखना है टू गुडविल अकाउंट। आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। अब रुशेल तो नया पार्टनर है इसलिए इसे कोई गुडविल का शेयर नहीं मिलेगा। ये बिजनेस में पिछले ईयर की प्रीवियस ईयर की गुडविल है, इसलिए दोनों पार्टनर्स आभा और बीना अपने ओल्ड रेशियो में, यहाँ पर आप लिख दीजिए ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेगी। तो 18,000 की गुडविल है, इनका ओल्ड रेशियो है 2:1। 18,000 आप डिवाइड कर देंगे 2:1 में, यानी आभा को मिलेगा यहाँ पर 12,000 का शेयर और बीना को मिलेगा 6,000 का, राइट। अब नेक्स्ट चेक कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड असेट्स है, तो यहाँ पर असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग आपको इनर कॉलम में दिखाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने एडजस्टमेंट टिक किया है। तो 72,000 जो वैल्यू है वो इनर कॉलम में दिखा देनी है। एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट्स लास्ट में देने वाला है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चेक करते हैं मशीनरी। तो मशीनरी भी हमें यहीं पर, तो यहाँ पर स्पेस लीव करनी है एडजस्टमेंट के लिए और मशीनरी लिखना है। एक लाइन लीव करेंगे आप, उसके बाद मशीनरी, और इस पर भी एडजस्टमेंट है तो इसकी अमाउंट इनर कॉलम में दिखानी है 40,000 रुपीज़। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक। स्टॉक की एंट्री हम यहीं पर करेंगे क्योंकि ये भी हमारे फिक्स्ड असेट्स में आता है। तो यहाँ पर स्टॉक लिखेंगे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इसकी जो अमाउंट है 36,000 वो आउटर कॉलम में दिखानी है। एक ही एंट्री करनी है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट चेक कीजिए डेटर्स। तो डेटर्स पे आपको एडजस्टमेंट दिए गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटर्स और उसकी अमाउंट इनर कॉलम में 24,000 रुपीज़। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं। पहले इनको सिर्फ रिकॉर्ड करें इनर कॉलम में जिन पे एडजस्टमेंट है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स भी यहीं पर हमें लिख देना है, यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट्स, और इन पे एडजस्टमेंट ना हो तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखाना है। इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट है 8,000 रुपीज़। कैश एंड बैंक, अब देखिए कैश एंड बैंक के लिए हमने एक डिफरेंट अकाउंट बनाया है, तो हम कैश एंड बैंक उसी में रिकॉर्ड करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया था। तो आप भूल कर भी कैश एंड बैंक का जो अकाउंट है वो सबसे पहले असेट साइड में मत रिकॉर्ड कीजिएगा। कैश एंड बैंक अलग से अकाउंट बनाया जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। तो यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। हम बैलेंस जो लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर वो कैश एंड बैंक यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। 2,000 की अमाउंट है तो आउटर कॉलम में दिखा दीजिए। तो कैश एंड बैंक का अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पार्टनर्स कुछ ना कुछ अगर कैश विड्रॉ करते हैं या कुछ यहाँ पर कैश डिपॉजिट करते हैं। फ्रेंड्स कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद आपको बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में लास्ट अकाउंट दिया गया है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस का। अब ये पुराना वाला कैंपेन एक्सपेंडिचर है जो दोनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डेबिट साइड में लिखने हैं और उनकी जो इनकम्स है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम 31 मार्च लास्ट डेट डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो अमाउंट है, अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर है 6,000 की अमाउंट। तो 6,000 दोनों ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें 6,000, तो आभा के लिए 2 है तो 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4,000 और रिमेनिंग 2,000 की अमाउंट बीना के अकाउंट में। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है, यानी हमें एज अ ट्रायल बैलेंस इसकी सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, इसकी सेकेंड इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये एडजस्टमेंट में नहीं था। सो फ्रेंड्स अब हमारा असेट साइड का कंप्लीट होता है पार्ट। अब जो सारे लायबिलिटी साइड के अकाउंट्स है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड में हम अगर चेकआउट करें तो हमें फर्स्ट जो टाइटल दिया गया है फर्स्ट अकाउंट वो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो हम कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर आपको डेट जो है वो कैपिटल अकाउंट्स के लिए 31 मार्च ही रखनी है। यहाँ पर आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और दोनों पार्टनर्स में उनके कैपिटल्स की एंट्री कर देनी है। आबा का जो कैपिटल है वो है 80,000, बीना का कैपिटल यहाँ पर हमें दिया गया है 60,000। तो आबा और बीना दोनों का कैपिटल यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद चेक कीजिए जनरल रिज़र्व, तो ये रिज़र्व था यानी पहले से रिज़र्व रखा था। अब नेक्स्ट ईयर नया रिज़र्व बनेगा तो पुराना वाला रिज़र्व दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो बाय जनरल रिज़र्व अकाउंट लिखना है, ओल्ड रेशियो में दोनों पार्टनर्स इसे शेयर करेंगे क्योंकि ये रिज़र्व था। रिज़र्व यानी सेविंग्स थी, जनरल रिज़र्व की कुछ सेविंग्स थी। अब इन दोनों को वो अमाउंट मिलेगी तो इनके लिए इनकम हुई, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। तो रुशिल को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पर एंटर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए जनरल रिज़र्व की अमाउंट आपको 18,000 दी गई है, दोनों पार्टनर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आबा को मिलेगा 12,000 और बीना को मिलेगा यहाँ पर 6,000। तो 18,000 का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड रेशियो में 2:1 में। जनरल रिज़र्व के बाद नेक्स्ट देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व फंड। तो ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व होता है वो भी दोनों पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व अकाउंट ओल्ड रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में। अमाउंट आपको दी गई है 4,500 की, तो 4,500 इंटू टू डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पर 3,000 आबा को मिलेंगे और 1,500 बीना को मिलेंगे। तो इस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आपको दिया गया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड, तो ये भी दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर जो सारे फंड्स हैं वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू नहीं होंगे, उसी ईयर एंड में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो इनका था ओल्ड रेशियो, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमाउंट आपको दी गई है 1,500, तो 1,000 मिलेंगे आबा को, 500 मिलेंगे बीना को। फ्रेंड्स यहाँ पर डेट्स आप लिखते रहिएगा। 31 मार्च को सारा डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड यहाँ पर अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चेक कीजिए क्रेडिटर्स दिए गए हैं, तो क्रेडिटर्स हम लायबिलिटीज़ साइड में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे और बिल्स पेएबल्स भी वहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं उन्हें। फ्रेंड्स ये रही हमारी बैलेंस शीट। अब क्रेडिटर्स जो है वो यहाँ पर लायबिलिटीज़ साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स, और इन पे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 28,000 जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है वो रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेएबल्स भी यहीं पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो बिल्स पेएबल्स की अमाउंट 12,000 आउटर कॉलम में क्योंकि इन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स हमने जो बैलेंस शीट थी उसमें से सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लिए। जो अकाउंट्स जिन पे एडजस्टमेंट है उनके लिए यहाँ पर स्पेस लीव की है, अगर आप देखें तो यहाँ पर स्पेस लीव की भी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, इन सभी पे इफ़ेक्ट्स देते हैं एडजस्टमेंट की और लास्ट में टोटल कर लेते हैं। Rushil will bring 1 lakh as his capital and 24,000 as goodwill in cash। तो अब Rushil जो नया पार्टनर है वो 1 लाख और 24,000 रुपीज़ लेकर आया है। देखिए फ्रेंड्स एडजस्टमेंट में लिखा गया है कि वो कैश में लेकर आया 1 लाख रुपीज़ और 24,000, राइट। तो जो अमाउंट वो लेकर आया है कैश में हो या फिर वो चेक या किसी भी तरह से लाया हो, तो या तो कैश होगा या थ्रू बैंक आया होगा। तो हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे, इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे टू रुशिल्स कैपिटल अकाउंट। अब वो 1 लाख की अमाउंट लाया है एज अ कैपिटल, और यहीं पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। हम इसे प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। तो इसकी अमाउंट 24,000 थी जो वो लेकर आया था। तो ये जो दो अमाउंट्स वो लेकर आया उसे हम कैश एंड बैंक में सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। अब एडजस्टमेंट में ये हमें लिख कर दिया गया है इसलिए इसकी दूसरी इफ़ेक्ट दिखाएंगे। अब 1 लाख रुपीज़ जो उसका कैपिटल है वो हम उसके अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, और जो प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है वो दोनों पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये मैंने आपको अभी अभी पहले स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट दिखा देते हैं। देखिए अब हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जो तीनों पार्टनर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर मिला है। दैट इज़ यहाँ पर आप देखेंगे 31 मार्च को बाय कैश अकाउंट, कैश में रुशिल लेकर आया था 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड कर दिया। जैसे इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन था वैसे ये भी कुछ बैलेंस लेकर आया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 31 को ही हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अब ये कौन सा कैश है, तो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल वाला है जो दोनों पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइस रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24,000 रुपीज़ को अपने सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो था 2:1 में, तो 24,000 डिवाइड होंगे तो आभा को मिलेंगे 16,000, बीना को मिलेंगे 8,000। सो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसकी दोनों इफ़ेक्ट्स कंप्लीट होती है। 1 लाख की दो इफ़ेक्ट कंप्लीट हो गई, एक यहाँ पर और एक कैश अकाउंट में। यहाँ पर जो प्रीमियम ऑफ गुडविल वो लेकर आया था उसकी भी दोनों इफ़ेक्ट्स कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट रीड करती हूँ। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असेट साइड में हमने बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे आप इफेक्ट्स देते थे वैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 17,000 क्योंकि 17,000 इसकी इंक्रीज़ हुई है अमाउंट। ऐड कर दीजिए और आउटर कॉलम में इसका टोटल जो है 89,000 ये यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। सो फ्रेंड्स ये होती है इसकी फ़र्स्ट इफ़ेक्ट। अब इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट कहाँ पर देंगे, जब लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रहा है। सो आपको ओपन कर लेना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जब वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है तब हम क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट और आउटर कॉलम में 17,000 इसकी अमाउंट जो है उसे रिकॉर्ड कर देना है। सो आई होप आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे किस तरह से हमने इसकी दो इफ़ेक्ट्स दे दी। फर्स्ट इफ़ेक्ट इन बैलेंस शीट और सेकेंड इफ़ेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड। याद रखिएगा डिक्रीज़ डेबिट, इंक्रीज़ क्रेडिट। चलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 रीड करती हूँ। एडजस्टमेंट में हमें कहा गया वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज्ड अप टू 32,000। तो मशीनरी की वैल्यू देखिए क्या लिखा गया है, अप टू 32,000 कहा गया है। तो पहले मशीनरी जहाँ पर हमने लिखा हुआ है असेट साइड में वो ओपन कर लेना है। अब यहाँ से डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस करेंगे, माइनस में आपको दिखाना है डिक्रीज़। अब अप टू बोला जाए तो अप टू यानी आउटर कॉलम में आपको लिखना है 32,000। अब इसका जो डिफरेंस है यानी 40,000 में से कितना माइनस करेंगे, तो 8,000 माइनस करेंगे तब आंसर 32,000 आएगा आउटर कॉलम में। यानी यहाँ पर जो लैंड एंड जो मशीनरी है उसकी जो वैल्यू है वो 8,000 से डिक्रीज़ हो जाती है, राइट। अप टू कहा जाए यानी डायरेक्ट आपको उतनी वैल्यू रखनी है। तो 8,000 कितने हो गए, डिक्रीज़ हो गए 40,000 से। अब ये फर्स्ट इफ़ेक्ट हुई। सेकेंड इफ़ेक्ट हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिक्रीज़ हो तो डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट जो डिक्रीज़ हुआ है बाय 8,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपको इसकी इफ़ेक्ट यहाँ पर दे देनी है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। हमारे तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। फोर्थ रीड करती हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज़ टू बी कैप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे आप देख सकते हैं 24,000 लिखा है और क्वेश्चन में पहले से हमें 2,000 का बैड डेट रिजर्व दिया हुआ ही है। अब हमें यहाँ पर कितना रखना है, 10%। तो आप डायरेक्टली यहाँ से 10% जो बैड डेट रिजर्व किया अमाउंट है वो कैलकुलेट कीजिए। तो 24,000 का 10% होगा 2,400। अब आउटर कॉलम में इसका कैलकुलेशन आपको दिखा देना है। यहाँ पर टोटल आएगा 21,600, राइट। अब ये जो 2,400 यहाँ पर है, ये टोटल 10% डेटर्स पे हमने रखे हैं। अब पहले से जो 2000 आपको दिए गए उसकी सेकेंड इफ़ेक्ट नहीं होगी, उसकी एक ही इफ़ेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब बैड डेट रिज़र्व इंक्रीज़ होता है तब हमारा यहाँ पर डिक्रीज साइड में दिखाना है। यहाँ पर इनकम्स आएगी और यहाँ पर एक्सपेंसेस और डिक्रीज डेबिट साइड। तो यहाँ पर ये एक्सपेंस हुआ है तो हम लिखेंगे टू बैड डेट रिज़र्व अकाउंट। अब अमाउंट कौन सी लिखनी है, तो देखिए पहले हमने यहाँ पर 2400 की अभी बैड डेट रिज़र्व नई जो है वो यहाँ पर लिखी, उसमें से हम माइनस करेंगे ओल्ड वाली 2000 रुपीज़ की जो पहले से क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये माइनस कर देंगे। तो अब जो एक्चुअल में अमाउंट इंक्रीज़ हुई है वो सिर्फ 400 की इंक्रीज़ हुई है। 2000 की लायबिलिटी तो ये पहले से ही थी, राइट। अभी सिर्फ हमने 2400 किया तो इन दोनों में इंक्रीज़ कितना आया, 400 का, इसलिए ये हमारा एक्सपेंस 400 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ, इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड में दिखा देना है। चलिए फ्रेंड्स, दोनों इफ़ेक्ट्स हमारी बैड डेट रिज़र्व के टॉपिक की यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट 5th एडजस्टमेंट रीड करती हूँ। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ टू बी मेड एट ₹1100। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ पर बना नहीं रहे। तो यहाँ पर डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। ये आउटस्टैंडिंग था और इसकी जो अमाउंट है वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1100। अब ये एडजस्टमेंट में दिया गया इसलिए इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट भी दिखानी होगी। तो अब हमारे पास दिखाने के लिए सिर्फ बैलेंस शीट है। देखिए आपके जो भी प्रॉफिट्स लॉस एडजस्टमेंट के साथ हो तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में भी दिखाना है, नहीं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक इफ़ेक्ट कर देनी है जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। बाकी के जो दो अकाउंट्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और कैश एंड बैंक अकाउंट है, उसमें सिर्फ पार्टनर्स के जो अकाउंट्स है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो लायबिलिटी है यहाँ पर इस तरफ दिखाएंगे टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100 रुपीज़। अब 6th जो एडजस्टमेंट है उसमें हमें न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया था, जिससे हमने सेक्रीफाइस रेशियो वर्किंग नोट में सबसे पहले फाइंड कर लिया था। तो अब यहाँ पर हमारे सारे कैलकुलेशंस कंप्लीट होते हैं। अब हमें सिर्फ टोटल करना है। सो टोटल स्टार्ट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, अब पहले हमें पूरा टोटल करना है। तो पहले क्रेडिट साइड में देखिए अमाउंट ज़्यादा लग रही है 17,000 और इस तरफ कंपेयर करें तो अमाउंट्स कम है। तो 17,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल अमाउंट 17,000 लिख देंगे। दोनों तरफ डेबिट साइड में भी कर देना है। 17,000 माइनस कीजिए 8,400 और 1,100, तब हमारी अमाउंट यहाँ पर आ रही है 7,500, ठीक है। ये 7,500 अब कैश एंड बैंक में नहीं जाएंगे, ये 7,500 डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है टू प्रॉफिट। जैसे आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालते थे वैसे ही ये डिविजिबल प्रॉफिट है यहाँ पर जो पार्टनर्स को मिलेगा, इसलिए आपको आभा एंड बीना इनका जो अकाउंट आपने बनाया है वहाँ पर जाएंगे। और ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो इनका था 2:1 में इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आभा को मिलेंगे 5,000 रुपीज़, बीना को मिलेंगे 2,500 और आउटर कॉलम में 7,500 की अमाउंट मिल जाती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। कैश एंड बैंक का टोटल कर लीजिए। ये अमाउंट याद रखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर के अकाउंट्स में डालनी है, इसलिए सिर्फ कैश एंड बैंक का टोटल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में अमाउंट्स दी गई है, क्रेडिट साइड में एक भी एंट्री हमारी नहीं हुई है, इसलिए पहले डेबिट साइड का टोटल कीजिए। यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का, अगर आप देखें इस तरफ तो हम टोटल लिख देते हैं 2,000, 1,00,000 और 24,000, तो हमारा आंसर आएगा 1,26,000 रुपीज़। दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड में 1,26,000 अमाउंट दिखा देनी है। फ्रेंड्स अब ये जो क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट्स है ही नहीं तो हम माइनस कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी सेम करने के लिए हमें यही अमाउंट इस तरफ कॉपी कर देनी है 1,26,000 राइट, क्योंकि यहाँ पर माइनस करने के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब ये जो अमाउंट है 1,26,000 की ये बन जाती है हमारी बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी ये जाएगी बैलेंस शीट में कैश और बैंक अकाउंट में असेट साइड में कि इतना कैश अभी बिजनेस में था राइट। और ये अमाउंट हमें डालनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था ये कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की रिवैल्यूएशन अकाउंट से, वो वहाँ पर डेबिट साइड में थी, इस तरफ आएगी तो क्रेडिट साइड में बन जाएगी क्योंकि ये इनकम साइड है। यहाँ पर उनका सारा प्रॉफिट, इनकी इनकम्स लिखी जाएगी पार्टनर्स की, इसलिए इस तरफ आपको नोट डाउन करना। 31 मार्च यहाँ पर आप लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है ओल्ड पार्टनर्स को, तो जो अमाउंट थी 5,000 आबा को मिले थे और 2,500 बीना को मिले थे। तो फ्रेंड्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड थी, यहाँ पर आएगी तो क्रेडिट साइड क्योंकि ये साइड इनकी इनकम्स लिखी जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑलराइट अब यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरफ आप देखेंगे तो बीना का पहले टोटल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सारी अमाउंट्स देख लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो बीना का यहाँ पर टोटल हमारा आ रहा है 78,500 राइट। सेम अमाउंट हम कॉपी कर देंगे इस तरफ डेबिट साइड में 78,500। अब ये जो दो अमाउंट्स है इसे माइनस करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,000 और 2,000 दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 8,000 अगर हम माइनस कर दें तो एक्सेस रिमेनिंग अमाउंट है 70,500। अब ये जो अमाउंट है ये बन जाती है इसकी कैपिटल की अमाउंट, जो हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हैं वहाँ पर जाएगा। तो 31 मार्च को यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड राइट। तो बीना के लिए कंप्लीट हो चुका। अब जो नेक्स्ट पार्टनर है आबा, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए। क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 1,17,000 रुपीज़, चलिए 1,17,000। अब यही सेम इस तरफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 1,17,000 कॉपी करना है। ये सारी अमाउंट्स आबा की माइनस करनी है, 16,000 माइनस करेंगे इस अमाउंट से, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 1,01,000 रुपीज़ राइट। यहाँ पर इसी लाइन में लिखेगा, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में जाएगा। और लास्ट ये जो रुशल पार्टनर है इसका भी टोटल कर लीजिए, सिर्फ 1,00,000 की अमाउंट है क्रेडिट साइड में, 1,00,000 लिख दीजिए फाइनल अमाउंट में, दोनों साइड में लिख दीजिए 1,00,000। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरफ कोई अमाउंट्स नहीं है तो डायरेक्ट 1,00,000 ही इसके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो ये है कंप्लीट हमारी वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी वैल्यूज़ इस तरह से टोटल किया था। अब ये जो इसकी वैल्यूज़ है ये जाएगी बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल्स, जो तीनों पार्टनर्स हैं आबा, बीना एंड रुशल, इन तीनों के कैपिटल्स लिखने हैं। और जो कैश एंड बैंक से हमें अमाउंट मिली थी 1,26,000 वो यहाँ पर डाल देनी है असेट साइड में, बिकॉज़ वो हमारी कैश अमाउंट थी यानी हमारी करंट असेट होती है, तो इस तरफ लिख देना है। अब जो तीनों के कैपिटल्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किए इस तरफ मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी। ये रही तीनों अमाउंट्स राइट। 1,00,000 रुपीज़ रुशल के थे तो रुशल के अकाउंट में, फिर 1,01,000 रुपीज़ आबा, 1,01,000 रुपीज़ फॉर आबा, और बीना के हैं लास्ट 70,500 राइट। तीनों हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट्स थी उसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। और फ्रेंड्स सिर्फ आपको टोटल करना है, टोटल कीजिए आउटर कॉलम में 2,71,500 अमाउंट आ रही है ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सारी एंट्रीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, सारी एंट्रीज़ हमने कर दी है राइट। आप यहाँ पर देख लीजिए, इनको प्लस कीजिए राइट। पहले असेट साइड को प्लस कर लेते हैं, तो असेट साइड देख लीजिए, असेट साइड का हमारा जो टोटल आ रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इस तरफ आप देख सकते हैं असेट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 3,12,600 राइट, ये यहाँ पर लिख दिया। अब ये सारी अमाउंट्स इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट मैच हो जाती है। जो माइनस करने पर ज़ीरो आ रहा है तो आपका दोनों तरफ का बैलेंस बिल्कुल सेम है राइट, डिफरेंस ज़ीरो आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए किस तरह से हमें सॉल्व करना था। अब एक चीज़ प्लीज़ भूलिएगा मत, अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज़ भी कही गई है। जर्नल एंट्रीज सबसे पहले लिखनी होती है, बट वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनाते हैं जर्नल एंट्रीज़। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको इस तरह से जर्नल एंट्रीज़ बनानी होती है। जैसे क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन इसमें हमने जो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी भी एंट्री देनी होगी। ठीक है, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया उसकी गुडविल को हमने एज प्रीमियम ऑफ गुडविल दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इन सभी को एंट्री में दिखाना होगा। ये एक ही स्टार्टिंग में ऐसा सम है जिसमें जर्नल एंट्रीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में पूछी गई है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको स्क्रीन पे सारी जर्नल एंट्रीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने कैसे जर्नल एंट्रीज़ बनाई है। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारा सम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट तो मैच हो ही गई है। अब जो लास्ट स्टेप जर्नल एंट्रीज़ का है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप उसमें समझ लीजिए। कोई डाउट्स या क्वेरीज लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं सारी जर्नल एंट्रीज़ राइट। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अब सारी जर्नल एंट्रीज़ आ गई होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए सारी जर्नल एंट्रीज़ हमने पास आउट कर दी है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कोई डाउट्स या क्वेरीज़ लगे तो कमेंट करके पूछेगा, बिकॉज़ ये जर्नल एंट्रीज़ सेम आपकी टेक्स्ट बुक में भी इलस्ट्रेशंस में गिवन है। हमने 4th चैप्टर में भी सेम जर्नल एंट्रीज़ सॉल्व की थी, वैसी ही है और सारी की सारी हमने सॉल्व की है। तो टोटल आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई डाउट्स या क्वेरीज़ लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ब्लूप्रिंट, पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज वेटेज सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है फॉर एकेडमिक ईयर, जो अब आपके लिए एग्ज़ाम्स आने वाली है। तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा प्लेलिस्ट। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।